वेलकम बैक टू माय चैनल कर कर की कहानी विद कंचन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गर्मियों के मौसम में फेस बहुत ही ऑयली, टैनिंग बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है हमारे फेस पे, और पिंपल्स, दाने, तो उन सभी को खत्म कैसे किया जाए, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड, लिए हम बनाते हैं होममेड DIY। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा टीस्पून कर्ड दही यानी, और ग्लीसिन हमारे फेस को नरिशमेंट देता है और ऑयलनेस बरकरार रखता है हमारे फेस का, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। गुलाब जल, आप पानी की जगह गुलाब जल से ही इसको करें। अगर गुलाब जल नहीं है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, तो मैंने जो मिट्टी वाली होती है वही मुल्तानी मिट्टी ली है जो बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको आप भिगोकर रख सकते हैं फ्रिज में, आप कई दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा गुलाब जल से इसे हम सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करना है आपको। ज़रा भी मिट्टी एकदम अच्छे से घुल जानी चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए आप मिट्टी को पहले ही एक रात पहले भी भिगोकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लगाने देते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा क्या क्या चीज़ें मैंने डाली है इस DIY में, तो चलिए अब इसे मैं अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। कोई कैमरा कट नहीं, आपके सामने दिखाऊंगी सारा। बहुत ही गर्मियों में रिफ्रेशिंग है, अवॉइड करिए बाहर से आवाज आ रही है गाइस, सो सॉरी। आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम होगी इस होममेड DIY से सारे खत्म होंगे। फ्रेंड्स, इसे अब हम रखेंगे जब तक ये पूरा सूख ना जाए, तो चलिए सूखने के बाद आप। तो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट सूख चला है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे आपके सामने रिमूव करके दिखाती हूँ। इससे बिल्कुल ग्लीसरीन डालने से आपकी त्वचा बिल्कुल मतलब खिंची खिंची सी नहीं लगेगी, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हम इसे पूरा वॉश कर लेते हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इतना अच्छा ग्लो आता है और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी आपकी इस DIY से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।